नमस्ते। आज हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भूगोल में जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत यूरोप के विभिन्न देशों के आंकड़ों के अध्ययन पर आधारित है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों से संबंधित जनसंख्या वृद्धि को स्पष्ट करता है। जनसंख्या का यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार प्रजनन के जैविक प्रारूप का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन करेगा। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के द्वारा हमें यह भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार विवेकपूर्ण निर्णय से प्रजननता के जैविक निर्धारक तत्वों को हम परिवर्तित करते हैं। अगर हम जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के इतिहास पे जाए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के ऐतिहासिक परिपक्ष पर हम नजर डालेंगे तो देखेंगे कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत वारेन थॉमसन ने सन 1929 में जनसंख्या वृद्धि की तीन अवस्थाओं का उल्लेख किया था, जिसका नाटेस्टाइन नामक जो जनांकी शास्त्री हुई है या जनांकी की वैज्ञानिक हुई है, उन्होंने 1945 में जनांकी की क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसी के कारण नाटेस्टाइन को जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। नाटेस्टाइन, विद्यार्थी मित्रों यहाँ ध्यान दो, नाटेस्टाइन नामक जो वैज्ञानिक हुए उनको हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जनक मानते हैं, फादर मानते हैं। इस दिशा में उनका लेख पॉपुलेशन द लॉन्ग व्यू, जिसका प्रकाशन 1945 में टी डब्ल्यू सुल्ज नाम के जो वैज्ञानिक थे उनके पुस्तक फूड फॉर द वर्ल्ड अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का विभिन्न उसके स्टेजों का उल्लेख किया है। जैसे कि हम सबको पता है कि साधारणतः सभी देशों की बात करें हम या किसी भी देश की बात करें तो देन प्रत्येक देश की जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि के विविध स्तर हमको दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर उस देश में होने वाला जनसंख्या वृद्धि है वो समय के अनुसार एक जैसा नहीं होता, समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहता है और इसका जो प्रभाव है उस देश के जन्मदर और मृत्युदर पर भी पड़ता है। अर्थात किसी देश में कालानुरूप होने वाले बदल के साथ साथ जन्मदर और मृत्यु दर में भी परिवर्तन होता है। मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट में जो होने वाला चेंजेस होंगे वो समय के साथ साथ फ्लक्चुएट होते रहते हैं, एक जैसा नहीं होते, और इस कारण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या जनसंख्या में होने वाली कमी के दर में कभी भी हमको समानता देखने को नहीं मिलती। आर्थिक विकास के साथ साथ जन्मदर और मृत्यु दर में भी हमको अंतर दिखाई देता है। इसी पर जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत आधारित है। मतलब जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत हमको ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या के होने वाले दर में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन को जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के द्वारा
पांच स्टेजेस में बांटा गया है, पांच अवस्थाओं में उसको विभाजन किया गया है। नंबर एक पहली अवस्था जिसको हम कहेंगे फर्स्ट स्टेज, नंबर सेकंड दूसरी अवस्था जिसको हम कहेंगे सेकंड स्टेज, नंबर तीन तीसरी अवस्था जिसको हम कहेंगे थर्ड स्टेज, नंबर फोर्थ चौथी अवस्था जिसको हम कहेंगे फोर्थ स्टेज, एंड लास्ट है पांचवी अवस्था जिसको हम कहेंगे फिफ्थ स्टेज। अब यहाँ पर हम जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के पांच अवस्था को समझने के पहले जो जन्म दर है, मृत्यु दर है और जनसंख्या वृद्धि दर है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर CBR, इट मीन्स क्रूड बर्थ रेट, जिसको हम मोटे तौर में अशोधित जन्म दर भी कहेंगे या जन्म दर भी कहेंगे। तो जन्म दर बराबर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर, एक वर्ष में जीवित जन्मे कुल बच्चों की संख्या डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर, उस वर्ष के कुल जनसंख्या। मतलब हम एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या को उस वर्ष में कुल जनसंख्या से भाग दे दे और उसको गुनीला 1000 से कर दे तो हमको उस देश की कुल जन्मदर ज्ञात हो जाएगा। तो जन्मदर बराबर क्या हो गया, उस वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या डिवाइड बाय उस वर्ष में उस देश में कुल जनसंख्या गुनीला 1000। उसी प्रकार CDR का मतलब होता है क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर, या इसको हम मृत्यु दर भी कहेंगे। मृत्यु दर बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ डेथ इन ईयर, उस वर्ष में या एक वर्ष में कुल मरने वालों की संख्या या मृतकों की संख्या डिवाइड बाय उस वर्ष में कुल जनसंख्या, और इसको यदि हम 1000 से इंटू कर दे या 1000 से गुना करें तो हमको मृत्यु दर प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु दर यानी क्या हो गया कि एक वर्ष में कुल मृतकों की संख्या एवं उसी वर्ष में कुल जनसंख्या, उस वर्ष में कुल जनसंख्या के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, जन्म दर। जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, वर्तमान का पॉपुलेशन को हम ये वर्तमान के पॉपुलेशन में प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस अर्लियर पॉपुलेशन, मतलब कि वर्तमान के पॉपुलेशन में पिछले पॉपुलेशन को यदि हम माइनस कर दे तो हमको जनसंख्या वृद्धि पता चल जाता है। जैसे यदि हमको पिछले 10 साल के में पिछले 10 सालों में जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ तो हमको क्या करना होगा, वर्तमान जनसंख्या माइनस 10 साल पहले का जनसंख्या कितना था उसको हम माइनस कर देंगे तो हमको 10 साल में होने वाले जनसंख्या वृद्धि के बारे में पता चल जाएगा। जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, इसके निकालने के लिए हमको क्या होगा कि जनसंख्या में होने वाले वृद्धि कितना है, जनसंख्या में होने वाला वृद्धि कितना है उसको यदि हम होने वाले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या जनसंख्या वृद्धि की दर को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ डिवाइड बाय पहले की जनसंख्या
गुनीला 100, ऐसे करके हम जनसंख्या वृद्धि दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को समझने के लिए हमको जन्मदर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर को समझना अत्यावश्यक है। जन्मदर क्या है? एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, उसी को हम कहेंगे जन्मदर। जबकि मृत्यु दर क्या है? एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने लोगों की डेथ होती है या मृत्यु हो जाती है, उसी को हम डेथ रेट कहते हैं। जबकि जनसंख्या ग्रोथ रेट या जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या में होने वाले वृद्धि डिवाइड बाय पहले की जनसंख्या को यदि हम 100 से गुना कर दे तो हमको जनसंख्या वृद्धि के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इस चार्ट के द्वारा, इस आकृति के द्वारा जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत 5 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पांचवी अवस्था। तो ये इस तरीके से संपूर्ण जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत अब 5 भागों में विभाजित होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वर्टिकल लाइन है, जिसको हम वाई एक्सिस कह सकते हैं, वर्टिकल लाइन पर प्रति 1000 होने वाले जन्म एवं मृत्यु को, यानी यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर को बताया गया है, और एक्स एक्सिस होरिजोनटल लाइन है, इसमें हम कालखंड को या समय को बताए हैं। और यहाँ पर स्टेज नंबर फर्स्ट या अवस्था प्रथम अवस्था या फर्स्ट स्टेज में क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मृत्यु दर और ये जन्म दर दोनों भी कैसे हैं, दोनों भी अधिक है। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों भी अधिक है। तो इस तरीके की अवस्था हमको पिछड़ी अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, जिसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती है। इसमें आय का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का निम्न स्तर होता है, सामान्य लोगों को संतुलन तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, समाज में निरक्षरता का साम्राज्य होता है, और इस अवस्था में विवाह भी बहुत कम आयु में कर दी जाती है, जिसे संतान उत्पादन के लिए संपूर्ण प्रजनन काल उपलब्ध रहता है। और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि ऊंची मृत्यु दर होगा, ऊंची मृत्यु दर भी होगा और जन्म दर भी ऊंचे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है, आर्थिक स्थिति हो जाती है, जहाँ पर अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि पर अवलंबित होते हैं या प्राथमिक क्षेत्रों में अवलंबित होते हैं, और इसके तुलना में द्वितीय और तृतीय व्यवसाय का अनुपात वो नगण्य होता है, न के बराबर होता है। शिक्षा के अवसर एकदम कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं, और प्रजनन का दर अधिक होता है, परिवार बहुत बड़ा होता है, विज्ञान और तकनीकी का विकास कम होने के कारण, स्वच्छता के अभाव के कारण, मेडिकल फैसिलिटीज के अभाव में रोगों का प्रादुर्भाव, उसी प्रकार कुपोषण के कारण मृत्यु दर अधिक होता है। और इस तरीके से यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों भी अधिक होते हैं। और इसमें जो कुल जनसंख्या का यदि हम पोजीशन देखेंगे तो कुल जनसंख्या लगभग स्थिर होता है। 1930 के पहले का जो पोजीशन है, 1930 के पहले का जो पोजीशन है, ये पोजीशन का समावेश हम इन पहला स्टेज में हम कर सकते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत। जबकि
दूसरी अवस्था क्या है, जनसंख्या प्रारंभ के समय में विस्तार करने वाला होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि मृत्यु दर में कमी आ रही है और जनसंख्या का जो जन्म दर है वो लगभग स्थिर है, या इसमें होने वाला बदलाव या परिवर्तन ना के बराबर है, जबकि मृत्यु दर में तेजी से कमी आ रही है। परंतु यहाँ पर जन्म दर क्या है, जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक है, और यही कारण है कि यहाँ कुल जनसंख्या में तेजी से वृद्धि दिखाई हमको देता है। और ये जो पोजीशन है जनसंख्या विस्फोट का स्थिति कहलाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्थिति कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर बहुत ज़्यादा है। और इसका मुख्य रीजन क्या है कि यहाँ पर विज्ञान व तकनीकी विकास के कारण औद्योगिक सुधार होगा और साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा, और इस कारण होने वाले जो बीमारी है उसको नियंत्रित तुरंत किया जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर मृत्यु दर में तेजी से कमी आएगी। परंतु जन्म दर कैसा होगा, स्थिर होगा, और उसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगा। इस परिस्थिति में कृषि व उद्योग क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि होगा, यातायात व्यवस्था में सुधार होते जाता है, है ना। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेक प्रयत्न किया जाता है, अधिक जनसंख्या होने वाले विकसनशील देश वर्तमान में इस अवस्था से गुजर रहे हैं, और इस अवस्था को ही हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो कांगो जैसे देश है, बांग्लादेश है, नाइजर देश है, युगांडा देश है, ये वर्तमान में इस परिस्थितियों में या इस अवस्था में है। जबकि तृतीय अवस्था में हम देखेंगे कि तृतीय अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र हो जाती है, मतलब थर्ड स्टेज के आते आते कोई भी इकोनॉमी में आर्थिक विकास की गति और तीव्र हो जाती है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में और अधिक सुधार होता है, जिससे कि मृत्यु दर में और गिरावट होने लगती है। मतलब ये जो पोजीशंस है यहाँ पर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में आर्थिक विकास होने के कारण स्वास्थ्य और चिकित्सा सुधार में क्या होगा, सुधार होगा, ज़्यादा सुधार होगा, जिससे मृत्यु दर में अधिक और गिरावट होगी, यानी मृत्यु दर जो ब्लैक लाइन से दर्शाया गया है इसमें और गिरावट होगी। शिक्षा में सुधार आएगा, और शिक्षा में सुधार आएगा तो देन क्या होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारे परंपराएं हैं वो टूटने लग जाएंगे, और इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप छोटे परिवार का जो की विचारधारा लोकप्रिय होने लगती है, और इससे जनसंख्या में भी जन्म दर में भी कमी आने लगती है। मतलब एक तरफ मृत्यु दर में भी कमी आएगी और दूसरी तरफ जन्म दर में भी कमी आने लगेगी। और बट यहाँ पर जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में कमी ज़्यादा होगी, और ये सॉरी मृत्यु दर से जन्म दर में होने वाली जो कमी है वो ज़्यादा होगी, और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या बढ़ते रहेगी, जनसंख्या बढ़ते रहेगी यानी बाद के काल में बढ़ने वाली होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनसंख्या का जन्म दर अधिक है मृत्यु दर की अपेक्षा, और इसीलिए ऐसे देश में विकास का जो दर है या विकास की जो दर है
बढ़ने के कारण लोगों का जो उदर निर्वाह के लिए जो लगने वाली आय है उससे ज्यादा उनका आय होगा, उनका खर्च की अपेक्षा आय अधिक होगा और इसीलिए उनका जीवन स्तर में उछाल आएगा, जीवन स्तर बढ़ेगा और जीवन स्तर बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी, तकनीक का विकास होगा और उसका उपयोग बढ़ने लगेगा, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसाय का विस्तार होता है जिससे जनसंख्या का शैक्षणिक स्तर बढ़ जाता है, लोग समझने लग जाते हैं आर्थिक विकास का महत्व या जनसंख्या में होने वाले वृद्धि का क्या घाटा है और इसीलिए यहाँ पर फैमिली प्लानिंग को लोगों के द्वारा महत्व दिया जाता है और इस तरीके से परिवार का जो आकार होगा वो छोटे होने जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो देश आएंगे या इस कैटेगरी में जो देश होंगे वो खास करके इस काल को भी हम जनसंख्या विस्फोट के हिसाब से देखते हैं क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर कम होती है जन्म दर की अपेक्षा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो देन चीन में ये इसका उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि चीन एक ऐसा देश है जो विकसनशील अवस्था से विकसित अवस्था की ओर अपना जंप लगा चुका है। चौथा अवस्था है वो है जब देश आर्थिक विकास का स्तर बहुत अधिक ऊंचा उठा लेता है तब यह अवस्था आती है, यानी जब कोई देश अपने आर्थिक स्तर को बहुत ऊंचा उठा लेता है तो ये इस तरीके से हमको स्थिति दिखाई देखने को मिलता है। इस स्थिति में या इस स्टेज में क्या होगा कि जन्म दर और कम होगी और इसके कारण जन्म दर कम होने के कारण जीवन स्तर में सुधार होगा, देश की आर्थिक स्थिति और नागरिकों का भी आर्थिक स्थिति में अधिक सुधार होंगे, द्वितीय और तृतीय व्यवसाय का जो हिस्सा होगा यानी द्वितीय और तृतीय व्यवसाय का जो हिस्सा होगा वो प्राथमिक व्यवसाय के हिस्से से ज़्यादा होगा या इनका महत्व ज़्यादा होगा। प्राथमिक व्यवसाय की अपेक्षा चतुर्थ व्यवस्था में या चतुर्थ अवस्था में क्या होगा द्वितीय और तृतीय व्यवसाय का प्राथमिकता या प्राबल्य अधिक होगा, मृत्यु दर भी यहाँ के आते आते चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत सुधार हो जाएगा और इसलिए मृत्यु दर कम हो जाएगी। अनेकों महामारी जैसे बीमारी है वो उनका खात्मा हो जाएगा और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे और इस कारण यहाँ पर क्या होंगे कि मृत्यु दर कम हो जाएंगे, परंतु यहाँ की स्थिति क्या होगी तब भी मृत्यु दर जन्म दर से कम होगी, मृत्यु दर जन्म दर से कम होगी मतलब जन्म दर यहां पर भी अधिक होगा या उसके आसपास होगा जिससे जनसंख्या वृद्धि अत्यल्प होगा और इसीलिए यहां पर जो जनसंख्या का वृद्धि अत्यल्प होगा और इसीलिए चौथा टप्पा को या चौथा अवस्था को हम क्या कहेंगे कमी परिवर्तन दर्शाने वाला स्थिति, यानी जनसंख्या में कम परिवर्तन होगा या जनसंख्या में जो होने वाला वृद्धि होगा वो अत्यंत कम होगा। और यहाँ पर यदि हम वर्तमान में बात करें तो अमेरिका का जो संयुक्त संस्थान है उसकी जो जनसंख्या है ये वर्तमान में विकसित देश के अवस्था से गुजर रहा है। अब पांचवा अवस्था क्या है, शून्य वृद्धि दिखाने वाला अवस्था जिसको हम कहेंगे शून्य जनसंख्या वृद्धि दिखाने वाला अवस्था। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि इस अवस्था में जन्म दर अत्यंत कम होकर
मृत्यु दर के बराबर हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि अत्यल्प होती है, यहां पर आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि अत्यल्प होती है, अथवा कुछ देशों में जन्मदर, कुछ देशों में जन्मदर नीला भाग जो दिखा रहा है वो मृत्यु दर की अपेक्षा कम होकर घटने लगती है। ऐसे देशों में बच्चों की संख्या अत्यंत कम होते जाता है एवं वृद्धों की संख्या या बूढ़े लोगों की संख्या अधिक होने लगती है, और ऐसे समय में जीवन स्तर में सुधार होता है, देश के व नागरिकों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है, तृतीय व्यवसाय का प्रमाण बढ़ने लग जाता है, शैक्षणिक व स्वास्थ्य सुविधाओं में उच्च दर्जा का सुधार होगा या उच्च स्तर का सुधार होने के कारण जीवन आनंददायी बन जाता है, और इस कारण से ये जो स्थिति होती है वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला होता है। यानी यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने के बजाय घटने लगता है, जिसे हम ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। यूरोप के अधिकांश देशों में इस तरीके का हमको अवस्था देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम जनसंख्या वृद्धि दर को प्रथम स्टेज, जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ऊंचे होंगे जबकि कुल जनसंख्या स्थिर होगा, जबकि द्वितीय स्तर ऐसा है, द्वितीय स्तर ऐसा है जहां पर जन्म दर अधिक होगा मृत्यु दर की अपेक्षा, और कुल जनसंख्या शुरुआती स्तर से ही बढ़ने वाला होता है, इसको हम जनसंख्या विस्फोट का स्थिति कहते हैं। जबकि तीसरी अवस्था जिसको हम प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जहां पर जनसंख्या में होने वाला जन्म दर में कमी आते जाती है और मृत्यु दर में भी कमी आते जाती है, बट यहाँ पर मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक होगा, और इसीलिए ये भी जो स्टेज है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज माना जाता है, जनसंख्या विस्फोट का अवस्था माना जाता है। चौथा अवस्था क्या होगा कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों भी कमी आएगी या तो दोनों समान होगी, और इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या लगभग न के बराबर बढ़ेगी या जनसंख्या में होने वाला वृद्धि में अत्यंत कम होगा या कम प्रमाण में होगा। जबकि जो पांचवी अवस्था है इसमें जो जन्म दर है वो कम हो जाएगी मृत्यु दर की अपेक्षा, और इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक होगा, और इस तरीके से संपूर्ण जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत हमें ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे कोई देश एक निश्चित कालखंड में जनसंख्या के विभिन्न स्टेजों को कैसे मतलब पार करता है या कैसे तय करता है। ओके, थैंक यू।